दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी किस्मत या भाग्य की वजह से गरीब या अमीर नहीं होता, बल्कि अपनी सोच की वजह से होता है। इसीलिए गरीब सोच वाले लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं और अमीर सोच वाले लोग हमेशा अमीर ही रहते हैं। एक गरीब और अमीर इंसान के बीच बस उनके सोच का फर्क होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे कुछ आपको 7 फैक्ट बताएंगे जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। फैक्ट नंबर 1, गरीब मानसिकता वाले लोग अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोषी मानते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों करता है, उसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ गलत किया, इस तरह की बातें अक्सर उनके मुंह से सुनी जाती हैं। गरीब सोच वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय कभी सरकार को तो कभी ईश्वर को कभी किसी को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, जबकि अमीर सोच वाले लोग अपनी गलतियों को जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं ताकि भविष्य में फिर वह गलती दोबारा ना हो। वे अपनी समस्याओं की शिकायत करने के बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। फैक्ट नंबर 2, गरीब सोच वाले लोग हमेशा अमीरी का दिखावा करते हैं। वे अपना स्टेटस हाई दिखाने के लिए अपना सारा पैसा गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। खुद को अमीर दिखाने के लिए वे महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, महंगे कार, बाइक, टीवी और फ्रिज जैसी चीज़ों पर लोन लेते हैं, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो जाती है। वहीं अमीर लोग अपने पैसों को गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च करने के बजाय ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से इनकम जनरेट हो सके। वे कर्ज भी लेते हैं तो कोई एसेट खरीदने के लिए, ताकि अपने इनकम रिसोर्स को बढ़ाया जा सके। फैक्ट नंबर 3, गरीब सोच वाले लोग अपना अधिकांश समय बेकार के कामों में बर्बाद कर देते हैं। टीवी के सामने घंटे तक बैठे रहना, मोबाइल पर फनी वीडियो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक देखना, दोस्तों के साथ बैठकर पॉलिटिकल बातों पर डिस्कस करना उनका डेली रूटीन होता है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग अपने टाइम की वैल्यू जानते हैं, इसीलिए वे अपने हर दिन को प्लान करते हैं और प्लानिंग के साथ अपना हर काम को टाइम पर पूरा करते हैं। अगर उनके पास खाली समय भी होता है तो वे अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। फैक्ट नंबर 4, गरीब सोच वाले लोग खाओ कमाओ वाले फंडे में विश्वास रखते हैं, इसीलिए वे पैसा हाथ में आते ही अपने सभी खर्चे पूरे कर लेते हैं। इसीलिए उनके हाथ में सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता और वे जीवन भर आर्थिक तंगी में रहते हैं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग सबसे पहले उन पैसों में से 20% सेविंग के लिए निकाल देते हैं, चाहे उन पर कितनी ही उधारी क्यों ना हो, फिर वे उस सेविंग फंड को इन्वेस्ट में लगाते हैं। फैक्ट नंबर 5, गरीब सोच वाले लोग हमेशा यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे कोई भी काम करते समय इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि लोगों के बीच उनकी इज्जत बनी रहे, लेकिन अमीर सोच वाले लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। वे बस अपने काम से काम रखते हैं, उनकी नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए वे हर अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, गरीब सोच वाले लोग हर वक्त एक दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि गरीब लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते हैं, इस तरह वे अपना पैसा, समय और एनर्जी तीनों वेस्ट कर देते हैं, जबकि अमीर सोच वाले लोग जानते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। इसीलिए वे छोटी छोटी बातों पर किसी के साथ अपना व्यवहार खराब नहीं करते, ना ही अपना टाइम बर्बाद करते हैं। वे अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, इस प्रकार वे अपने विरोधियों से भी अपना काम करा लेते हैं। फैक्ट नंबर 7, अमीर और गरीब लोगों की सोच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस यह है कि गरीब लोग केवल पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। वे हमेशा कुछ सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने हमेशा देखा है कि गरीब मानसिकता वाले लोग उतना ही काम करना चाहते हैं जितना उन्हें पैसा पे किया जाता है। यही वजह है कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस। अमीर मानसिकता वाले लोग विजनरी होते हैं, वे केवल अपनी सैलरी के लिए काम नहीं करते, वे अपने काम के दौरान सीखते रहते हैं ताकि भविष्य में अपने अनुभवों का लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।